ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा तां तां नता स्म परिपालय देव विश्वम् अनादिनधनं विश्वम् शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। राजश्री घोष जी, आपने अपनी माता शेफाली चक्रवर्ती के लिए गया जी में जो विष्णुपद है, गया तीर्थ में विष्णुपद पर तर्पण जो श्राद्ध का कार्य है, रुक्मिणी सरोवर के तट पर उस कार्य को संपन्न कराया। क्या होता है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पितर हैं, हमारे पितरों के प्रताप से ही, पितरों के आशीर्वाद से ही सभी तरह की जो सुख समृद्धि है, संपन्नता है, ये सबकी प्राप्ति हो। यदि हमारे पितर प्रसन्न न हो, पितर रुष्ट हो, तो जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उन सब का सामना करना। आपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, देखिए गया में श्राद्ध करने से, पिंडदान तर्पण करने से पितर जो है मुक्त होकर के भगवान श्री हरि के चरणों में उनका निवास होता, ऐसी मान्यता है गया तीर्थ में पिंडदान तर्पण करने से। तो तर्पण का कार्य, जो श्राद्ध का कार्य है, वो संपन्न हुआ हमारा। और जो श्राद्ध कर्म है, तो श्राद्ध कर्म में जो ब्रह्म भोज है, ब्राह्मण भोजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। ब्राह्मण भोजन कराए बिना जो पितर हैं, पितरों के निमित्त हम लोग जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उस श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। बिना ब्रह्म भोज के जो है श्राद्ध कर्म जो है पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो पितर हैं हमारे, कोई भी है, माता पिता दादा दादी, जो बुजुर्ग हमारे पितर हैं, वे ब्राह्मण के रूप में आ करके श्राद्ध का जो भोजन है, फल दक्षिणा जो द्रव्य है, उसको ग्रहण करते। जो व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, तो उसके जो पितर हैं, उसके पितरों को श्राद्ध का जो भोजन है, श्राद्ध का जो अन्न है, वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्राद्ध में जो है ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण को अति विशेष माना गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से जो हमारे पितर हैं, हमारे पितरों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है,
और श्राद्ध कर्म जो नहीं करते उनके जीवन में अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य को श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। आइए, श्राद्ध में एक अंश गौ के लिए निकाला जाता है, सौरभ्य सर्वेता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृहान्त देग्रासं गावस्त्र लोकं गोभ्य नमः। कुत्ते के लिए, कुत्ता जो है यमराज का पशु है, गौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत गुरुद्भव ताभ्यां नमः तादम सब स्वाभ्यां नमः। कौवे के लिए इंद्रावरणा बायव्या याम्या वै नरित तथा वायसा प्रतिगणंतो भूमौ पिंडम वायुजितमिदं वायसेभ्यो नममिदमन्नम। ये जो है कौवे के लिए। देवादिबलि ओम देवा मनुष्यापसभोवयांसी सिद्धा सारक दत्त संघा देता पिशाचास्त्रान मिच्छत मयमिदमन्नम देवादिबलिभ्यो नमः। चीटियों के लिए पिपीलिका कीट पतंग काद्या बहुषिता कर्म निबंध बद्यः तेषा मित्रिप्यध्मानम् विष्णु सुखिनो वैदान पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगम् शिष्णोद्योः समवर्तता पदवं श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम् भिक्षां देहि च पार्वती अन्नपूर्णा मैया की जय।
और मंत्रा था सफला संतो पूर्णा संत मनोरथा शत्रुणाम बुधिना स्वस्थ मित्राणाम बुधयस्तवा। राजश्री घोष जी, आपके पितर आपके श्राद्ध कर्म से प्रसन्न होकर के आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करें, आपको और आपके परिवार को। पितर देव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की।